हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल दैट इज स्टडी विद पूजा मित्तल एंड आई एम योर फ्रेंड पूजा मित्तल। सो जैसा कि आज की वीडियो का टाइटल है हाउ टू मैनेज CSIR UGC नेट प्रिपरेशन विद आवर MSc, एंड काफ़ी स्टूडेंट्स को यही नहीं पता कि ये होता क्या है और ये ज़रूरी है या नहीं है। सो फर्स्टली, इसको ज़रूरी नहीं है कि आप MSc के टाइम ही दो। ये एग्ज़ाम है, इसमें एक नेशनल एलिजिबिलिटी है आपकी, मतलब आपने कोई भी लाइफ साइंस का सब्जेक्ट, बॉटनी, जूलॉजी, माइक्रोबायोटेक, बायोकेम, जेनेटिक, सेल बायो, किसी भी सब्जेक्ट से अगर आपने अपनी MSc की है तो उसमें ऐसे हो जाता है कि आपको इस सब्जेक्ट की नॉलेज है, उसका क्या प्रूफ है आपके पास। तो ये जो CSIR UGC जो नेट है, इस पेपर का क्वालिफिकेशन ये डिसाइड करता है कि, वैसे तो नॉलेज होती है, काफ़ी लोग नहीं होते इंटरेस्टेड, कोई ज़रूरी नहीं है तो, बट अगर आपको कहीं टीचिंग करना है और या फिर PhD करनी है, साइंटिस्ट बनना है और मतलब कोई डायरेक्टर वगैरह की पोस्ट पे जाना है, ऐसे फील्ड में अगर आपको जाना है तो आपको अपनी नॉलेज का क्वालिफिकेशन देना पड़ता है, आपको अपनी नॉलेज का प्रूफ देना पड़ता है। सो जिस स्टूडेंट का ये CSIR UGC नेट क्वालिफाई होता है उसकी सैलरी भी अच्छी हो जाती है और उसका एक नाम हो जाता है अलग से कि बंदे बंदी का CSIR UGC नेट क्वालिफाई है, इसको अपने एग्ज़ाम की नॉलेज है। ठीक है, तो अब ये बात करते हैं कि MSc के साथ कैसे इसको मैनेज करें। तो पहली बात तो कोई ज़रूरी नहीं है कि आप MSc करते हो उसी टाइम एग्ज़ाम दो। अगर आपसे सिर्फ, क्योंकि काफ़ी तरह के स्टूडेंट होते हैं, ज़रूरी नहीं सब एक साथ ही, कुछ ऐसे होते हैं जो फर्स्ट सेमेस्टर में ही सारी प्रिपरेशन करके एग्ज़ाम भी दे देते हैं, नेट भी क्वालिफाई कर देते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो एक साल का टाइम लेते हैं, कुछ होते हैं 2 साल, कुछ ये सोचते हैं MSc अपनी करके फिर 6 मंथ्स का टाइम देके अपना नेट का तैयारी करना है और एग्ज़ाम देना है। साल में 2 बार ये एग्ज़ाम होता है, जून में होता है एंड दिसंबर में। ठीक है, तो अब जैसे कि 2021 का जो बैच है, कोरोना की वजह से ऑलरेडी काफ़ी बच्चे लेट हो चुके हैं। इन जनरल अगर बात करें तो क्या होता है कि मेरी तरफ से मैं ये कहना चाहूँगी कि MSc फर्स्ट सेमेस्टर में ही स्टूडेंट को 6 मंथ्स का टारगेट नहीं करना चाहिए, एटलीस्ट 1 ईयर तो दो, क्योंकि नए नए कॉलेज में जाना, शिफ्ट होना, काफ़ी अरेंजमेंट्स करना, मतलब सारा नया माहौल, कभी फ्रेशर पार्टी, कभी कुछ, नए फ्रेंड, नया सर्कल, नया माहौल, सारी चीज़ें बहुत नई हो जाती हैं। और स्पेशली जो 2021 का बैच है उन स्टूडेंट्स के लिए तो और भी ये चीज़ काफ़ी हेक्टिक हो सकती है, क्योंकि जो एक साल में एग्ज़ाम्स कंडक्ट होते थे वो एग्ज़ाम्स अब 6 मंथ्स के अंदर उनको फर्स्ट सेमेस्टर का भी क्लियर करना है एंड सेकेंड। ये सोचो कि भी चलो आपके सब्जेक्ट के साथ ये चीज़ मैच करती है तो प्रैक्टिकल फाइल, प्रोजेक्ट, असाइनमेंट, सेमिनार और भी चीज़ों का काफ़ी प्रेशर रहता है। सो आगे जब कोई इस वीडियो को देखे तो उनके लिए भी यही सजेशन है कि 1 ईयर दो, अपने थर्ड सेमेस्टर में जो एग्ज़ाम होता है उसको टारगेट करो, या सेकंड सेमेस्टर के, जैसे आपने एडमिशन लिया अगस्त में अपने कॉलेज, इन जनरल की बात करते हैं कोरोना को हटा के। सो दिसंबर में एग्ज़ाम होते हैं, फिर सेकंड सेमेस्टर के अपने मई में होते हैं, जून में होता है CSIR ने, तो वो स्टूडेंट्स जून वाला टारगेट कर सकते हैं। बट इस बार जैसे कि काफ़ी स्टूडेंट लेट हैं, एडमिशन प्रोसीजर लेट है और जुलाई तक तो उनको सेकेंड सेमेस्टर तक के भी एग्ज़ाम देने होंगे, तो काफ़ी प्रेशर रहेगा, तो वो लोग जून, उनकी मर्जी है, उनको ये लगे कि मेरे को कोई प्रेशर चाहिए अपने ऊपर ताकि मैं अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यूसली रख सकूँ, तो वो फॉर्म फील कर दें कि भी ट्रायल भी हो जाएगा, एक प्रेशर में पढ़ा भी जाएगा, तो आप भर सकते हो। और इसकी प्रिपरेशन, इसके मैनेजमेंट बस यही है सॉरी कि जैसे स्टूडेंट्स का क्या होता है, काफ़ी जगह, जैसे जिस यूनिवर्सिटी में मैं थी, मेरे को खुद को फर्स्ट सेमेस्टर में ये नहीं पता था कि ये सारी यूनिट्स CSIR नेट की हैं। आपको यहाँ पे स्क्रीन पे साइड में जितनी भी यूनिट्स दिख रही हैं 13 की 13, ये सब क्या हैं, CSIR नेट के अंदर आती हैं। ठीक है, सो इसमें से आप लोग सिलेबस को डाउनलोड कर लेना। एक चीज़ बता दूँ, मेरा टेलीग्राम पे चैनल है, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूँगी, वहाँ पे मैं टाइम टू टाइम बुक शेयर करती रहती हूँ, नोट्स, गाइडलाइंस, टॉपिक टारगेट करके क्विज कर दिया है, कोई भी आपकी पर्सनल प्रॉब्लम है उसको सॉल्व कर दिया, और आप उस पर टेलीग्राम पर सर्च भी कर सकते हो स्टडी विद पूजा मित्तल और ज्वाइन कर लेना, कोई भी दिक्कत हो
हम आपस में सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो अब क्या है जो मैं मेन बात जो करने वाली हूँ, आपका जैसे फर्स्ट सेमेस्टर है, जैसे मैंने पंजाब यूनिवर्सिटी का देखा तो उसमें इकोलॉजी एंड प्लांट फिजियोलॉजी है जो CSIR नेट से मैच करती है, तो वो स्टूडेंट क्या कर सकते हैं, अपनी इको और प्लांट फिजियो पे थोड़ा ज़्यादा फोकस कीजिए। ऐसे नहीं है कि सारे सब्जेक्ट काम के नहीं होते, आप गेट का सिलेबस उठा के देखो, अगर आप एक बॉटनी के स्टूडेंट हो तो वहाँ पे इतना बॉटनी पैथोलॉजी मतलब इतनी सारी चीज़ें हैं वहाँ पे जो CSIR नेट के सिलेबस में नहीं है, तो कहीं ना कहीं वो सारी चीज़ें कंडक्ट करती हैं। जैसे मेरे कॉलेज में क्या था, फोर्थ सेमेस्टर में बायोस्टेट आता था, बायोस्टेट अगर ICMR का एग्ज़ाम देना है तो उसमें कंपलसरी होता है बायोस्टेट एक अलग से पोर्शन। सो अगर काफ़ी स्टूडेंट कैसे होता है फर्स्ट सेमेस्टर में बायोस्टेट होता है, तो ये मत सोचो कि MSA के जो आपके पेपर हैं वो आपके नेट से मैच नहीं करते, इसलिए आपको अच्छे से नहीं करना, आपको सारे सब्जेक्ट्स को अच्छे से पढ़ना है। आपका सिर्फ स्टार्टिंग में मेन गोल नेट है, तो नेट वाले यूनिट्स को अच्छे से करो, बाकी यूनिट्स जो आपके क्लास में आपके टीचर आपको नोट्स दे रहे हैं, जितना कंटेंट आपके है सिलेबस में जितना है उसको एक अच्छे से पढ़ो, क्योंकि अब आप क्या हो, मास्टर हो अपने सब्जेक्ट पे। मास्टर कब बनोगे, जब अपने सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़ोगे। अच्छे से पढ़े बिना तो कोई मास्टर भी नहीं बन सकता, डिग्री ले लोगे पर उस सब्जेक्ट की नॉलेज ही नहीं है तो क्या फ़ायदा। अब काफ़ी तरह के लोग आते हैं कि डिग्री लेने के लिए MSc कर रहे हैं, कोई टीचर बनने के लिए MSc कर रहा है, कोई किसी को UPSC आगे जो एग्ज़ाम होते हैं उनको नेट की प्रिपरेशन नहीं करनी होती, उनको UPSC में अपना मेन सब्जेक्ट बॉटनी रखना होता है, जूलॉजी रखना होता है। जैसे मैं खुद बॉटनी की हूँ तो मेरे बार बार बॉटनी निकलेगा। आप जिस भी सब्जेक्ट के हो तो आप अपना वहाँ पे सब्जेक्ट सेट कर सकते हो। सबसे बड़ी बात, चाहे कोई बॉटनी का है चाहे जू चाहे बायोटेक किसी भी सब्जेक्ट का है, जितने भी एग्ज़ाम होते हैं सब में सबका सिलेबस सेम रहता है। ये नहीं कि मैं बॉटनी की हूँ तो मेरे प्लांट फिजियो आएगा, मेरे एनिमल भी आएगा, तो 13 की 13 यूनिट्स टारगेट करना कोई ज़रूरी नहीं है। आप अगर मतलब 6 मंथ्स में आप अपना एग्ज़ाम देना चाहते हो तो 4 या 5 इतनी यूनिट टारगेट करो, उनको अच्छे से करो, एग्ज़ाम दो। अच्छे से करने का मतलब क्या होता है कि इस चैप्टर में से, इस यूनिट में से, मेरे से किसी ने कोई भी क्वेश्चन पूछ लिया मैं वो कर दूँगी। और ये अच्छे से तैयारी कब होती है, अगर आप सेल्फ स्टडी करते हो। मान लो आपने लोडिश की बुक उठा ली, सेल बायोलॉजी के लिए लोडिश आपने पढ़नी स्टार्ट की, तो सबसे पहली बात, ऐसे तो बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं होती कि फर्स्ट पेज लिया और लास्ट पेज तक आपने पढ़ा, ये तरीका बिल्कुल गलत है। जैसे ये सिलेबस है, सिलेबस में आगे सारी यूनिट्स जो हैं उन यूनिट्स के ऐसे डिटेल टॉपिक्स दे रखे हैं, आपके साइड में यहाँ पे स्क्रीन पे दिख रहा होगा, मैं आगे यूनिट्स निकालती जा रही हूँ। जैसे कि मोलिकुलर बायोलॉजी में दे रखे हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम, जैसे कि यहाँ पे हमें एक गाइडर की, एक टीचर की ज़रूरत होती है। अगर आप किसी कोचिंग को ज्वाइन करना चाहो, जैसे अफोर्डेबल ऑनलाइन, तो अनअकैडमी काफ़ी अफोर्डेबल रहता है, टीचर्स भी अच्छे हैं। मैं मेरा स्टार्ट करूँगी 2022 में, तो उसके बाद मैं आपको एक वीडियो के थ्रू इन्फॉर्म कर दूँगी। उससे पहले स्टूडेंट्स को मैं पर्सनली यही कहूँगी, या तो अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन ले लीजिए, सोमूस बायोलॉजी भी करवाते हैं, काफ़ी सारे और भी कोचिंग सेंटर्स हैं, कोई ऑफलाइन भी सेंटर्स हैं, तो जैसा भी आपको सूट करे आप कोचिंग। जैसा कि मैं बात कर रही थी कि जो ये MSc स्टूडेंट है वो कोचिंग ले सकते हैं, पर विदाउट कोचिंग भी वो प्रिपरेशन कर सकते हैं। कैसे, टेलीग्राम पे सारे सोर्सेज अवेलेबल हैं। आपको टेलीग्राम का नहीं पता तो आप मेरा वाला ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, मैं डिस्क्रिप्शन पे लिंक दे दूंगी। और अब यहाँ पे भी बहाने आ जाते हैं, मैम स्टोरेज नहीं है, मैम ये नहीं है। देखो अगर प्रिपरेशन करना है तो सब कुछ हो जाएगा। अब मैं आके, ये तो है नहीं, नया फ़ोन गिफ्ट कर दूंगी, लो भाई इसमें आपके बारे में स्टोरेज है नहीं, इसमें स्टोरेज है, इसको डाउनलोड कर लेना। सो टेलीग्राम को डाउनलोड कीजिए, वहाँ पे अनअकैडमी के भी ग्रुप्स हैं, CSIR नेट के भी ग्रुप्स हैं, और लाइफ साइंसेज बुक्स के भी ग्रुप्स हैं। आपको कोई भी लाइफ साइंस की बुक का PDF चाहिए तो PDFDrive.net पे आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं, तो वहाँ से आपको रिसोर्सेज मिल जाएंगे। काफ़ी अच्छे अच्छे यूट्यूब चैनल्स हैं, आप उन यूट्यूब चैनल्स को भी देख सकते हैं, लाइक टीचिंग पाठशाला, स्मार्ट लर्निंग अकेडमी, ज्ञान वर्षा, गुरु मंत्रा, मेरा तो है ही, आपको पता ही है। सो मैं इम्पोर्टेंट सब कुछ डालती रहती हूँ, और अपने जो टेलीग्राम पे है वहाँ पे टारगेट टॉपिक कर दिया, क्विज कर दिया ऑर्गेनाइज। तो अब बात ये है कि कैसे करें, सब कुछ तो हो गया, अब क्या करें। तो अब यही है
कि मान लो दो यूनिट आपके, आपको सिर्फ एक ही गोल है CSIR मैथ, बाकी भी सब्जेक्ट आपके काम के हैं। MSc के लिए पढ़ना तो पड़ेगा ही, एक शेड्यूल बनाओ, शेड्यूल में ये होना चाहिए कि जितनी कॉलेज में क्लासेस ले रहे हैं उनको अच्छे से सुनेंगे। टीचर्स का नहीं समझ में आ रहा तो ट्राई करो समझने का, पूछो उनसे, या फिर तब भी नहीं होता तो जैसे भी आप उस टाइम को मैनेज करो। उसके बाद 2 आवर्स आपको अलग से CSIR नेट के देने हैं, 2 आवर्स आपको कॉलेज के देने हैं, और 2 आवर्स मतलब आपने अगर कोई बुक से या फिर कहीं से भी पढ़ा है उसका रिवीजन और सेल्फ स्टडी, तो अलग से टाइम फिक्स करो। और सबसे बड़ी बात, कंफर्ट जोन से बाहर निकलो। जब तक कंफर्ट जोन में रहोगे, एक्सक्यूजेस दोगे, तब तक कुछ नहीं हो पाएगा। तो जैसे कि PU की मैंने बात की, मेरी यूनिवर्सिटी में क्या था, सेल बायो भी था, एनालिटिकल टेक्निक्स भी था, और मेरे को सब्जेक्ट भी याद नहीं आ रहे। तो ऐसे करके सबके मतलब कॉमन होते हैं, 2 या 3 मिल जाते हैं। और ज़रूरी नहीं होता कि 13 के 13 यूनिट्स करो। मेरी कज़न है, उन्होंने 6 यूनिट टारगेट की थी, 2 के 1 तो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स उन्होंने पढ़े थे, उनका 111 मार्क्स से JRF क्लियर हो गया। तो इसमें क्या होते हैं, क्वेश्चन पेपर 400 नंबर का आता है, पर जो फाइनल जो मार्क्स होते हैं वो 200 में से आपके बनते हैं। तो ये है कि पूरा 400 नंबर का पेपर सभी यूनिट्स का उसमें रहता है कि 30 से 32 यूनिट नंबर में सभी यूनिट्स आएंगी। तो मान लो आपने कोई 7 यूनिट प्रिपेयर की, 30 नंबर की एक यूनिट है, या फिर ऐसे मान लो एक यूनिट 20 की आ गई, एक आ गई 40 नंबर की, तो थोड़ा सा ऊपर नीचे होता रहता है। मान लो आपने 6 अच्छे से प्रिपेयर की, अच्छे से मतलब बहुत अच्छे से, कि आपसे कोई भी उसमें कुछ भी पूछ ले आप बताने को तैयार हो, तो वहाँ पे यही काम आता है। मान लो 18 सो 180 मार्क्स हो गए, तो 180 का तो आपका अटैम्प्ट होगा ही नहीं। मान लो कि 140 का आपने अटैम्प्ट किया, फर्स्ट ट्रायल में आपको पता चल गया कि आप कहाँ पे स्टे करते हो, मे बी आपका क्लियर ही हो जाए, मे बी मान लो आपके 90 या 100 मार्क्स आ जाएं। तो इसकी कैटेगरी होती है कि आपने एग्ज़ाम दिया, जिस स्टूडेंट के 60-65 मार्क्स आते हैं उसके कंसेप्ट क्लियर नहीं है, उसका बेस हिला हुआ है, उसको प्रैक्टिस की ज़रूरत है। जिसके 90-95 मार्क्स आते हैं फर्स्ट अटैम्प्ट में, उसके कंसेप्ट क्लियर हैं, उसने चीज़ों को याद नहीं किया है, प्रैक्टिस अच्छे से नहीं किया है। सो ऐसे कैटेगराइजेशन आप अपना कर सकते हैं, ठीक है। तो कोई मुश्किल नहीं है, बस सिलेबस डाउनलोड करो, या तो कोई कोचिंग को ज्वाइन कर लो। कोचिंग ज्वाइन नहीं करनी तो बुक उठाओ, लास्ट ईयर के पेपर्स उठाओ, यूट्यूब चैनल पे जितने सजेशन मिलते हैं अच्छे चैनल्स को सजेस्ट करो, और ये देखो कि कौन से टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। मैं एक PDF मैंने मेरे टेलीग्राम पे शेयर किया था, आपको अगर प्रिपरेशन करना है तो डाउनलोड कीजिए, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, वहाँ पे मैंने एक वीडियो शेयर किया था, PDF कि 13 यूनिट्स में से मोस्ट इम्पोर्टेंट कंटेंट कौन सा है, एंड कौन से को किस वाली बुक से ज़्यादा अच्छे से पढ़ना चाहिए। ये सारा सिलेबस भी आप CSIR की ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं, और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को पढ़ना ही पढ़ना होता है, बाकी तो पूरा प्रिपेयर करना पड़ता है। मान लो कि इस बार अभी तक मान लो स्ट्रेस फिजियोलॉजी से कोई क्वेश्चन नहीं आया है प्लांट फिजियो में, पर इस बार आ जाए तो ज़रूरी नहीं होता। ऐसे पिछले साल हुआ था कि स्ट्रेस फिजियो से कभी क्वेश्चन नहीं आता था, बट लास्ट टाइम 10 मार्क्स का स्ट्रेस फिजियो भी आया हुआ था। तो ये एग्जामिनर पे डिपेंड है, बट मोस्ट इम्पोर्टेंट जो मान लो हमने 100 टॉपिक सेलेक्ट किए, तो ऐसे तो है नहीं 100 के 100 ही नहीं आएंगे, 100 में से 70-80 तो आएंगे, तो काफ़ी प्रिपरेशन हो जाती है, काफ़ी हेल्प मिलती है उससे। और कोई थेरेपी नहीं है, और कुछ भी फंडा नहीं है, ज़्यादा फ्रेंड सर्कल में मत घूमो, ज़्यादा चीज़ों के बीच में मत पढ़ो, जितनी फाइल्स दी हैं उनको सजाने के पीछे मत भागो, फाइल किया कंप्लीट, काम मिला कंप्लीट, जो अच्छा दोस्त है उससे बात की, जो नहीं है अपने फॉर्मल रहना है, फॉर्मल रहो, ज़्यादा किचपिच अपनी लाइफ में मत रखो। सेल्फ स्टडी करनी है, एक साथ एक या दो यूनिट को टारगेट करो, 2 से ज़्यादा मत करो, उतना ही मैनेज होगा, क्योंकि आपकी क्लासेस भी लेनी है कॉलेज की, फाइल्स भी बनानी है, कॉलेज का भी पढ़ना है, टेस्ट भी देने हैं, खुद के भी पर्सनल भी काम होते हैं। सो एक महीने में 2 यूनिट, तो ऐसे करके कि एक महीने में भी 2 यूनिट अगर आप प्रिपेयर करते हो, 2 की जगह मान लो 1 महीने में 1 ही टारगेट की, तो 6 मंथ के बाद हमेशा ही पेपर होता है। 6 महीने में स्टार्टिंग में आपने अगर 6 यूनिट भी तैयार कर ली, तो 1 साल का टारगेट रखोगे, तो 2 और कर ली 8, उन 8 को करके उसका रिवीजन। और एक सबसे ज़रूरी बात यह है कि मान लो इस महीने मैंने सेल पढ़ा, मैंने 5 महीने तक सेल पढ़ा ही नहीं, फिर उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। रेगुलर रिवीजन ज़रूरी है चीज़ों का,
अगर आप क्लासेस लेते हो ऑनलाइन, आज आपने 3 क्लास ली, कल अगली 3 क्लास लेने से पहले जो 3 क्लास के जो नोट्स थे आपने लिखे हैं, या आपके पास PDF है, या जैसे भी आप कर रहे हैं अपनी प्रिपरेशन, मान लो आपने बुक से पढ़ा, आज आपने 10 पेज पढ़े, नेक्स्ट डे आप नेक्स्ट 10 पेज पढ़ने वाले हो, तो उसका जो आपने हाईलाइट किया था या नोट्स के फॉर्म में लिखा था, जैसे भी आपने उसकी शॉर्ट फॉर्म बनाई थी, नहीं बनाई थी तो बनानी पड़ेगी, एंड में आप पूरी किताब को खोल के नहीं देख सकते, एंड में आपको शॉर्ट टिप्स, शॉर्ट नोट्स, हेडलाइंस, यही सब चाहिए होगा, तो ये सब आप बनाओ। मैंने एक वीडियो बना रखी है, क्योंकि वो सब तो डिस्कस करना पॉसिबल नहीं हो पाएगा, कि स्ट्रेटजी एंड टिप्स टू लर्न स्मार्टली, तो वो वीडियो आप जरूर देख लेना, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूँगी, या ऊपर आई बटन यहाँ पे वीडियो के कॉर्नर में आपको दिख रहा होगा, उस आई बटन में मैं उस वीडियो का लिंक शेयर कर दूँगी, ठीक है। तो मेरे हिसाब से ये ज़रूरी थी, इससे ज़्यादा एक और ज़रूरी बात मेरे को याद आ रही है कि टेलीग्राम का नाम तो ले दिया मैंने, टेलीग्राम पे कोई हज़ारों ग्रुप मिल जाएंगे, सबके बीच में नहीं फंसना। आपको लगता है मेरा चैनल काम का है, मेरे साथ बने रहो, मेरे अलावा एक दो का और काम का है, उन 2 या 3 में बने रहो, पर ये नहीं कि 15, 20, 25 ज्वाइन करके बैठे हो, काम का किसी में ही नहीं करते। मेरा वाला फ़ायदे का नहीं लगे, लेफ्ट करो, दूसरे ग्रुप को ज्वाइन करो, वो भी काम का ना लगे लेफ्ट करो, थोड़ा खुद को टाइम दो, चीज़ों को समझो, प्रॉब्लम आती है तो ज्वाइन करके अपनी प्रॉब्लम को सोल्व करो। जितना पर्सनली इंटरेक्ट करोगे किसी ग्रुप के टीचर से, क्लास के टीचर से, अच्छी चीज़ों के लिए, स्पून फीडिंग के लिए नहीं, कोई पूछे मैम ये बता दो कि फलाना फलाना पिगमेंट क्या होती है, मान लो अब कोई मेरे से ये कहे कि क्लोरोप्लास्ट क्या है और क्लोरोफिल क्या है, तो ये कि जरूरी नहीं सबके सब कुछ क्लियर हो, बट है तो बेसिक क्वेश्चन, हो तो आप मास्टर्स के स्टूडेंट, हो तो बैचलर्स के स्टूडेंट, तो इतना आना चाहिए। आप ये चीज़ पूछ रहे हो मतलब ये है कि आप स्पून फीडिंग ही चाह रहे हो। अगर मैंने आपको ये बता दिया कि ये पार्टिकुलर ग्रुप है बुक्स का, ये पार्टिकुलर लिंक है बुक्स का, तो उनमें देखो, डाउनलोड करो, बात ख़त्म। सो बस यही है कि ज़्यादा चीज़ों के बीच में मत फंसो, कम चीज़ रखो, स्पेसिफिक रखो, टारगेट रखो, टारगेट के बिना पढ़ाई नहीं होगी। अगर आप 6 मंथ्स का टारगेट रखोगे तो उसमें 4 यूनिट हो पा रही है या 5 हो पा रही है या 2 हो पा रही है, उनको करो, पर इतनी अच्छे से करो कि दोबारा बस रिवीजन ही करना पड़े, अच्छे से दोबारा प्रिपेयर ना करना पड़े। कोई और चीज़ मिस रह गई हो या फिर कुछ आपको पूछना हो, वीडियो कैसी लगी हो, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करना, लाइक ज़रूर करना, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना, ताकि आगे वाली वीडियो के अपडेट आपको मिलते रहें, आपकी रिक्वेस्ट पर मैं काम करती हूँ, ठीक है। मेरे हिसाब से जो डिस्कशन था ये हेल्पफुल होना चाहिए।